press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी, और ये दोनों चर्चा करेंगी भारत के नए कानूनों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। आपके पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर का फतवा जारी हुआ कि ये इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन वो तो हो गया ना कराची में, ये एक डेढ़ माह हो गया। अब लोगों को कि बहनों से ना शादी हो जाए। लेट मी कंप्लीट। तो भाई जब दूध पी लेते वो सगे बहन भाई हो जाते ना, अब लोगों को भी डर है कि ये जो इस्लामिक फतवा जो बीच बीच में आता है ये सिर्फ आपके पाकिस्तान में नहीं आता है शाला। आप ध्यान से सुनिए और आपके व्यूअर्स भी सुने कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आता है, ये सिर्फ सीरिया में नहीं आता है, ये सिर्फ लीबिया में नहीं आता है, ये सिर्फ ईरान में नहीं आता है, ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं आता है। ये कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस की जलाई हुई फुलझड़ी आज तक है। जब भी हिजाब को बैन करने के लिए महाराष्ट्र कोर्ट हो या सर्वोच्च न्यायपालिका हो, जब भी हिजाब बैन की बात आती है सारे मुसलमान मर्द लुंगी डांस स्टार्ट कर देते हैं, सारे के सारे। अच्छा, शिक्षा पर बात नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है। शिक्षा पर कभी बात नहीं करते हैं। तो एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी जी, मैं यहाँ पर जैसे हम क्योंकि एक रिलीजियस पॉइंट को भी डिस्कस कर रहे हैं, इवन दो हमारे पास कोई इतनी खास नॉलेज नहीं है रिलीजन की, लेकिन जो चीजें हमने माशरे में देखी हैं, अगर हम हिंदू रिलीजन की और मुस्लिम रिलीजन की बात करें, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अपने हकूक की लड़ाई ज्यादातर कौन से रिलीजन की जो खवातीन है वो इस वक्त जो है लड़ रही हैं, कौन सी ऐसी खवातीन है जो जिसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के बुनियाद पर या फिर उस चीज को लेके उसको पीछे धकेला जा रहा है या फिर वो जीना चाहती है लेकिन रिलीजियस कहते हैं ना कि वो जैसे आपने कहा फतवे हो गए या फिर ऐसी कोई चीज है जो मौलाना की तरफ से होती है। रिलीजन एक अलग चीज है, मौलाना का बयान एक अलग है। तो हिंदू और इस हिंदुइज्म और इस्लाम की अगर हम बात करें तो आप विमेन राइट के मुताबिक किन विमेन को ज्यादा बेटर एंड स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे आप देखती हैं? हिंदू वुमेन बहुत बेटर और स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर होती हैं। जैसे घूंघट प्रथा, हिंदू महिलाओं ने खुद आके आ करके कहा भाई ये घूंघट प्रथा हटानी पड़ेगी, वो जो ठीक हो गया वो हट गया। और अच्छा, उसमें सहयोग हिंदू मर्दों ने भी दिया, कम्प्लीटली दिया। उसके बाद फिर सती प्रथा को के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सती प्रथा का चलन था, उसको भी मर्द और औरत, हिंदू मर्द और औरत दोनों सामने आए और दोनों ने उन पर उसको एकदम इरेज और वैनिश कर दिया। फिर चाइल्ड वाली रस्म पूरे भारत में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं 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 भी नहीं है। घूंघट प्रथा का था आप मतलब एकदम इंटीरियर ग्राम में मेरे साथ चल लीजिए शैला, वो शायद आपको 1 लाख औरत में एक मिलेगी जो घूंघट ली हुई होती है, ठीक है, जो बहुत एज वाली होती है, जो अपने मतलब उस प्रथा को लेकर के चलना चाहती है, उसके कल्चर से कनेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, वो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब जैसे चाइल्ड मैरिज, जयपुर में बहुत चाइल्ड मैरिज होता था, बंगाल में बहुत चाइल्ड मैरिज होता था, अच्छा हिंदुओं में जहां जहां पर भी चाइल्ड मैरिज होता था, इन्होंने खुद हिंदुओं ने खुद महिला और पुरुष दोनों मिल करके कोर्ट चले गए और चाइल्ड मैरिज पर ऐसा कानून बनवाया कि 7 साल की सजा है, सीधा 7 साल की सजा है। अच्छा, हिंदू धर्म में आप देखिएगा कि बीवी होते हुए अगर कोई दूसरी शादी कर ले, चलिए भैया 9 साल के लिए जेल चले जाए। अच्छा नहीं, आपको एक चीज बताओ, पाकिस्तान के अंदर एक कानून पास हुआ है कि हर मर्द 2 शादियां कर सकता है कानूनी तौर पर। हाँ, आपके यहाँ ये सब अश्लील कानून बड़ा मजे में पास हो गया। अश्लीलता का अगर एग्जाम्पल और ट्रॉफी किसी को देना हो तो वो पाकिस्तान को दिया जा सकता है। सेकंड थिंग इज कि आप देखिए कि किर्गिस्तान जहां पर 96% मुस्लिम्स है वहां पर हिजाब की प्रथा नहीं है। ईरान पहले बहुत हाईलाइटेड होता था, बहुत हाईलाइटेड होता था, पर एक टाइम आया कि ईरान को पता चल गया शाला ये भिड़ना अब सही नहीं है, अब थोड़ा सा बैकफुट हो जाओ और रिफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ो। मस्जिदें खाली हो रही थी
तो वो प्रोटेस्ट जो है वो एकदम लाइमलाइट में आया, और ईरान के जितने भी मुस्लिम प्रेचर हैं आज देखिए उनका एक भी जो बेजा और बेहुदा फतवा है वो हमारे सामने भी नहीं आता है, अदरवाइज हम ही बात कर लेते हैं आपस में कि ईरान के प्रेचर ने ये बात बोला। अच्छा देखिए यूएई अरब रिफॉर्म कर रहा है, मैं जब भी आबुधाबी जाती हूँ दुबई जाती हूँ मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं वाकई में मुस्लिम कंट्री में हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है, वो एक अलग दुनिया है। हाँ तो जब मैं भारत आती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई ये मुसलमान कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे। तो हम दोबारा से टॉपिक पे आ रहे हैं कि हिंदूइज्म और इस्लाम में और क्या चीजें। मुझे शाला ऐसा लगता है कि हमारे भारत में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब लुंगी से बाहर आकर के अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं इस वक्त। आपने खुद भी अपनी जुबान से डेटा बताया और मैं एग्जैक्ट डेटा आपको बता देती हूँ कि हमारा भारत 79% शिक्षित है, 79% शिक्षित है। आप हिंदू घर घराने में जब आप एंटर कीजिएगा तो बेटे को भी पहले पढ़ना, फिर नौकरी करना, फिर शादी करना, फिर सेटल होना, यही सिखाया जाता है, और बेटियों को भी यही सिखाया जाता है, पहले तुम पढ़ो उसके बाद फिर नौकरी पर ध्यान दो, फिर शादी करो, फिर एक बच्चा करो, और उसके बाद फिर वहां पर फुल स्टॉप भी लगाओ। ठीक है, लेकिन फिर क्राइम तो उसी हिसाब से बढ़े ना। लेट्स सपोज अगर 79% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है तो क्राइम तो बिल्कुल कम होने चाहिए, लेकिन हर आए दिन जैसे आपने भी इतना बुरा वाक्या सुनाया दिल दहला देने वाला, इन चीजों पर क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? क्या इसमें घरों की तरबियत भी शामिल होनी चाहिए तालीम के साथ, या फिर क्या करें? लेट मी कंप्लीट एंड लेट मी टेल यू कि ये क्राइम कर कौन रहा है भारत में? बुरहान वानी ही जेनोसाइड कर रहा है, जिसको शहादत का दर्जा देने वाले मुसलमान होते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के होते थे, उसके बाद फिर अफजल गुरोही पार्लियामेंट पे अटैक करता है, आफ्ताब ही श्रद्धा की बोटियां करता है, 5 मुसलमान ही जाकर के कन्हैया का गला रेतता है, लारा भाषमी ही बस कंडक्टर का गला रेतता है, नासर खान खादर खान ही सुजर जॉर्डन का बलात्कार करता है, यामिन शकील ही औरतों को ठग करके पैसा लूटता है, जावेद अहमद खान जैसा टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का मंत्री ही इलीगल कंस्ट्रक्शन अपने नेतृत्व में करवाता है। तो ये कर कौन रहा है, ये भी तो आपको पॉइंट करना देखना पड़ेगा। 82.7% सनातनियों में अगर कभी कभार कोई एक बुरा व्यक्ति निकलता है तो वो जेल की हिरासत में होता है, और उसके बेल अपील के लिए कोई हिंदू समाज खड़ा नहीं होता है, कोई हिंदू समाज खड़ा नहीं होता है, बल्कि उसको बॉयकॉट कर दिया जाता है। अभी हालिया में आपके साथ भी शायद मैंने सेशन किया था कि उत्तर प्रदेश में साजिद और नावेद दो भाइयों ने मिल करके एक 6 साल और एक 9 साल के बच्चे का, दोनों भाइयों का गला रेत दिया, बोटियां कर दी, और उसके खून को हाथ में लगा करके अपने मुंह में लगा लिया। तो कर कौन रहा है? अब आप चले आइए कि जहां पर मेरा भारत देश 79% शिक्षित है, वहीं पर इसी भारत देश में मुसलमान सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से दलित से भी पीछे है क्योंकि ये पढ़ना नहीं चाहते, इनको एडुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है। अब इनके लिए जो नए फिर से टॉपिक पे आते हैं कि नया जो कानून आया है शैला, उसमें जो नई धाराएं आई हैं, उसमें जो नए सेक्शंस आए हैं, वो इतने खूबसूरत आ चुके हैं और इतने स्ट्रिक्ट आ चुके हैं कि ये जितने लफंदर हैं नासिर खान जैसे, आफ्ताब जैसे, यामिन शकील जैसे, जावेद अहमद खान जैसे, फैज अहमद खान जैसे, ये लोग अब डर के रहेंगे। अब कानून तो इस कानून से फायदा उठा सकती हैं और कैसे उठा सकती हैं ना, शायद कोई अभी इसको 2021 में शैला बड़े आराम से तृणमूल कांग्रेस के लाडले मंत्री ममता बनर्जी के, उन्होंने द डॉन न्यूज़पेपर, आपके पाकिस्तान के द डॉन न्यूज़पेपर को ही कह डाला कि पोर्ट एरिया तो मिनी पाकिस्तान है, मतलब कलकत्ता का एक बड़ा एरिया जो है वो मिनी पाकिस्तान है। उनके ऊपर एक मामूली सा FIR वगैरह, पता नहीं किसी ने किया होगा क्या, नहीं भी किया होगा, लेकिन वो लाइमलाइट में बहुत आया कि उन्होंने एंटी नेशनल स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि आप अपने पाकिस्तान में भारत का जय जयकार नहीं कर सकते और मैं मेरे भारत में पाकिस्तान का जय जयकार नहीं कर सकती। अब उस वक्त तो वो बच गए थे, लेकिन ये जो आपका 113 BNS का सेक्शन आया है ये आपको बचने नहीं देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया राय खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने हमें इन कानूनों की बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी और भारत में
काफी समय से ऐसे सख्त और कड़े कानूनों की जो दरकार थी, और आखिरकार भारत सरकार ने ऐसे कड़े फैसले लिए और कानूनों में बदलाव किया जिसकी वजह से लव जिहाद, बहुविवाह और हलाला जैसे जो कुकर्म और कुप्रथाएं हैं उन पे लगाम लगेगी और बलात्कार जैसे अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।